अपने पर्यटन व्यवसाय में जब फॉरेनर्स के साथ हम इन गलियों में आते हैं तो केवल घाट का ही आर्किटेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बनारस गलियों में बसता है तो गलियों का भी जो आर्किटेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और बनारस के लोग किस तरीके की लाइफ स्टाइल जीते हैं, किस तरीके के मकानों में रहते हैं, ये भी फॉरेनर्स के बीच में बहुत ही जो आकर्षण का विषय रहता है। हम लोग जब इन गलियों में से आते हैं तो ये जो सामने मकान दिख रहा है, इस मकान पे हम जरूर चर्चा करते हैं। इस मकान पे हम लोगों ने इतनी बार चर्चा की है कि एक बार इस घर से एक बच्चा बाहर निकल के आया और हम लोगों से बोला कि आप लोग मेरा ही मकान क्यों दिखाते हैं। अब तो क्या जवाब दिया जाए, बोला गया भाई आपका मकान सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इस नाते खैर खूबसूरती में कहीं कोई कमी नहीं है, ये मकान वास्तव में खूबसूरत दिखता है। ऊपर कई सारे जो आर्किटेक्ट हैं उनका ये मिश्रण दिखता है। इसमें जो भारतीय आर्किटेक्ट है, जो विशुद्ध अपना हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट है, जब मुगल आए और उनके साथ जो हमारे आर्किटेक्ट का मिश्रण हुआ वो, साथ ही साथ जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके साथ जो एक आर्किटेक्ट यूरोपियन कल्चर जो आया वो सबका मिक्सचर यहाँ पे दिखता है। ऊपर हम देख रहे हैं रोशनदान के ऊपर एक गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ये गॉथिक आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं और ये उस हिसाब का ये मकान बना हुआ है। खिड़कियों के जो पल्ले हम देख रहे हैं इसमें लंबी लंबी छड़ें लगी हुई हैं, ये जो बंगाली आर्किटेक्ट है जो पुर्तगालीज और इनके साथ मिक्सचर होके ये बना है, ये वो आर्किटेक्ट दिखता है। साथ ही साथ अगर भारतीय आर्किटेक्ट की बात करें तो खिड़कियों के किनारे पे जो पत्थरों पे महीन डिज़ाइन बनी हुई है, मैं बोलूँगा पास में आने को, ये जो महीन डिज़ाइन बनी हुई है ये विशुद्ध भारतीय अपना आर्किटेक्ट है। साथ ही साथ जब हम आगे यहाँ फ्रंट गेट पे आते हैं तो गेट जो है वो पूरी तरीके से अपने भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई पड़ता है। कि कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो किनारे किनारे बनी हुई हैं, और साथ ही साथ चूँकि अभी तो थोड़ा वो पुराना पड़ गया है, अदरवाइज गेट के दोनों तरफ या तो फूल बने रहते हैं और या फिर द्वारपाल बने रहते हैं।